नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा कैप लाई हूँ जिसे मैंने 6 महीने से साल भर के बेबी के लिए बनाया है। देखिए कितना खूबसूरत है। और ये देखिए कितना स्ट्रेचेबल है। ये 6 महीने से साल भर की बेबी के सिर में आसानी से आ जाएगा। इसे बनाने के लिए मैंने बेबी वूल का इस्तेमाल किया है और 10 नंबर की सिलाई पे 90 फंदे डाले हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कैप बनाते हैं। थोड़े से फंदे डालकर इसका डेमो आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो मैं 12 फंदे डाल के आपको दिखाती हूँ। फंदे डालने के बाद पहली लाइन में हम एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा। तो एक फंदा सीधा बुनते हुए और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम पहली लाइन में सभी फंदे बुन लेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस लाइन में हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा नहीं बुनेंगे बल्कि सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। रॉन्ग साइड में ये रॉन्ग साइड है और दूसरी लाइन हमने सभी फंदों को उल्टा बुन दिया। अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं और फिर पहला फंदा सीधा बुनेंगे, चाहे स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे। अगला फंदा देखिए ये उल्टा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा, सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट उल्टा। देखिए ये फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा इसे उल्टा। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो ये हमारा चौथा लाइन कंप्लीट हो गया और इसमें मैंने बॉर्डर में 8 लाइन बनाया है, यानी 8 लाइन का ये बॉर्डर बनाया है। 8 लाइन का बॉर्डर बनाने के बाद हम 9th रो में सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। नाइन्थ रो में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और 10th रो में रॉन्ग साइड है, ये सभी फंदे उल्टे। ग्यारहवीं लाइन में सभी फंदे सीधे, बारहवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे, तेरहवीं लाइन में सभी फंदे सीधे और चौदहवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। यानी बॉर्डर के बाद हम 6 लाइन प्लेन बुनेंगे, सामने से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये हमारा 15वां लाइन है और बॉर्डर के बाद से 7वां लाइन। तो 7वीं लाइन में भी हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे।
अब हम रॉन्ग साइड में हैं, यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और दूसरे कलर के उनसे सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। दूसरे कलर के उनसे सभी फंदों को उल्टा। अब हम सामने की तरफ हैं और ये बॉर्डर के बाद से नाइन्थ रो है, तो पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा, फिर अगला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। एक फंदे को हमें स्लिप करना है और अगले फंदे को उल्टा बुनना है। ऊन हमेशा हमारी तरफ ही रहेगा। यह फंदा हमने उल्टा बुना, अगला फंदा हमें स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर स्लिप करना है, फिर उल्टा, और लास्ट में एक फंदा बचेगा तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने अपने सेकेंडरी कलर से दो लाइन बुन लिया। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो सभी फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। देखिए पिछली लाइन में यानी दूसरे कलर के ऊन से बुनते समय हमने इसे स्लिप किया था, तो अब की हम इसे उल्टा बुनेंगे। और देखिए ये फंदा हमने उल्टा बुना था तो इसे हमें स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा। देखिए ये फंदा हमारा सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा बुना गया है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, और ये फंदा देखिए स्लिप किया गया है यानी इसे हमें उल्टा बुनना है। नेक्स्ट फंदा देखिए, ये बुना हुआ फंदा है, उल्टा बुना गया है तो इसे हम स्लिप करेंगे, और ये फंदा देखिए स्लिप किया गया है। देखिए इसके ऊपर से ऐसे धागा गया है, ये स्लिप किया गया है यानी इसे हमें उल्टा बुनना है। नेक्स्ट फंदा ये बुना हुआ फंदा है, देखिए ये उल्टा बुना गया है तो इसे हम स्लिप करेंगे। लास्ट फंदा स्लिप किया गया है, इसे देखिए तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ गए, तो अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए, तो देखिए अब हमें पहले फंदे को उल्टा बुनना है, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है। अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है यानी इसे हमें उल्टा बुनना है, ये फंदा देखिए बुना हुआ फंदा है तो इसे हमें स्लिप करना है, ये फंदा देखिए स्लिप किया गया है, इसके ऊपर से धागा ऐसे गया है यानी ये स्लिप किया गया है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। बुना हुआ फंदा इसे स्लिप करेंगे, ये स्लिप किया हुआ फंदा तो इसे उल्टा बुनेंगे, बुना हुआ फंदा इसे स्लिप करेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे। स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनना है, और लास्ट फंदा उन दूसरी ओर इसे हम सीधा बुनेंगे। अब हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से अब इसे हम काट देंगे, क्योंकि अब हम इस कलर को नहीं लगाएंगे तो इसे हम काट देंगे। और अब हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और इस धागे को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। तो हमें गांठ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
धागे को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। तो डिज़ाइन के बाद ये हमने एक लाइन बना लिया, ऐसे ही सात लाइन हम और बनाएंगे। दो डिज़ाइन के बीच में आठ लाइन का गैप है, इधर देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, दो डिज़ाइन के बीच में आठ लाइन का गैप है। उसके बाद फिर छह लाइन का ये डिज़ाइन बनाया जाएगा और हर डिज़ाइन में हम अपने बचे हुए ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक डिज़ाइन छह लाइन का बन रहा है, तो इस तरह हमने चार डिज़ाइन बनाया है। हर दो डिज़ाइन के बीच में आठ लाइन का गैप है, तो इस तरह बुनते हुए हमने साढ़े छः इंच के आसपास बना लिया है। और अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो हम अपने प्राइमरी कलर के उल से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस धागे को हम ऐसे लपेटते जाएंगे, ऐसे करने से सफाई आती है और हमें बांधने की जरूरत नहीं रहेगी, ये निकलेगा नहीं। तो सभी फंदों को हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा बुन लेंगे। हमने बॉर्डर में 90 फंदे डाले थे, यदि आपको बड़ा बनाना हो तो आप फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब हम सामने की तरफ आ गए हैं, तो हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले दो फंदे को एक साथ लेंगे, सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हम घटाना शुरू कर दिए हैं, तो दो दो फंदों को हम एक साथ लेते जाएंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए मैंने सभी फंदों को बुन लिया। अब एक फंदा बचा है, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक, तो दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए और सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
अष्टफंदा, इसे हम सीधा, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो फिर हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। लास्ट में एक फंदा बचा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो अब सिलाई में 11 फंदा बचा हुआ है, उनको अब हम रॉन्ग साइड में है सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और अब हम धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे। और इसे सुई में डाल लेंगे। हमने सुई में धागा डाल लिया। अब हम ऐसे दूसरी साइड से सभी फंदों में ऐसे सुई को घुमाएंगे, सभी फंदों को सुई पे उतार लेंगे। और ऐसे हम इसको खींचेंगे। एक बार हम और इनमें से सुई को घुमा देंगे और ऐसे टाइट कर लेंगे। अब इसको ऐसे उल्टा करेंगे और हम इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे करके यहाँ तक हम सिल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये खूबसूरत सी कैप बनके तैयार हो गई। आशा है आपको पसंद आए होगी। तो यदि आपको मेरा ये कैप डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। Thanks for watching.